मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एक मॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने मॉल में आई महिलाओं को डायल 112 वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को जागरूकता करते हुए कहा कि अगर रास्ते में आते जाते समय कोई लड़का आपको परेशान करता है तो आप तुरंत 112 पर कॉल कर सकती हैं, जिसके बाद संबंधित थाने की पुलिस तुरंत आपके पास पहुंचकर आपकी सहायता करेगी। इसके साथ उन्होंने महिलाओं को साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बिना जान पहचान के किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बात ना करें, क्योंकि वही लड़का कुछ दिनों के बाद आपसे बात करके आपको नुकसान पहुंचाएगा और फोन पर बिना जान पहचान के आई वीडियो कॉल को एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद एसपी क्राइम ने कार्यक्रम में आई 15 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी प्रभा, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, सुनील कुमार पटेल, एम्स चौकी प्रभारी हिमांशी पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, क्षेत्र में हमारी महिलाओं को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने अधिकारों को जानने और समझने के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया गया। आप लोगों ने इसके पहले नाम तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि बहुत जागृत करते रहे तो इसी के अंतर्गत आज हम यहाँ एकत्रित हैं। काफी वर्किंग वुमेन है यहाँ पे काम करने वाशित करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं सशक्त हो, असक्त लेकिन महिलाएं हमारी कभी नहीं थी। उन समय के लिए हमारी याद में जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान मिला था और जैसे ही जामन को अपनी शक्ति का याद दिलाते थे तो उनके अंदर अपनी पूरी ताकत आ जाती थी, पूरी ताकत से वो अपना कार्य करते थे। सेम चीज यही है, मेरा तो यही मानना है कि कोई भी महिला निर्बल नहीं है, कोई भी महिला अबला नहीं है, सभी महिलाएं सशक्त हैं। बस जरूरत है तो उन्हें अपने अंदर की क्षमता, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए। अक्सर हम कहते हैं अरे छोड़ो हो जाएगा, वो है ना बड़ा आदमी कर लेंगे, वो है ना, ये सोच करके हम दूसरों पे टाल देते हैं। अपने लिए हम कह सकते कि देखने वाले ही कहें कि खुदा खुद ही को कर खुदा। इस सशक्तिकरण जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बस मात्र ये है कि आप जागृत हो, आप पहचाने कि आपके अंदर कौन से
करते हैं, उसके लिए सात बार खाना बना है, उसका भी हेल्प नंबर है 1923। तो अचानक हम इसे भी फोन कर सकते हैं कि हमें इस नंबर से इस तरह का परेशान किया जा रहा है, तो भी देखा जाता है। तो इन सब नंबरों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। आप लोग हिम्मती हैं, आगे बढ़ती हैं, इसी को बढ़ाने के लिए ही हमारा सशक्तिकरण का अब हो रहा है। इसीलिए महिला सुरक्षा दल बनाया गया है, जो पहले एंटी रोगियों के नाम से था, इसको चेंज करके दिया गया। तो नंबर सबको पता होना चाहिए, घरों में सबको बताना चाहिए, क्योंकि अंडा एक कम ही होते हैं। तो इसकी जानकारी रखिए और अपने घरों में, स्कूल में, ऑफिस में शेयर कीजिए। ये सबको पता होना चाहिए, पुरुषों को भी पता होना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो मदद करते हैं, और किसी को कभी कोई समस्या हो बेहिचक खाने के जाना चाहिए। कि मिशन शक्ति फेज 4 लागू है इस समय पे, और उसी के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है उसके अंतर्गत आज हम लोग सिटी मॉल में आए हैं, और यहाँ पे जो कार्यरत महिलाएं हैं और जो शॉपिंग के लिए भी महिलाएं आई हैं, उन सभी को उनसे सुरक्षा के संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उनके विषय में जानकारी दी गई, और जो टोल फ्री नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, ताकि वो महिलाएँ अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, सुरक्षित रहें, और जो कानून है उसके बारे में उनको जानकारी हो सके। आज हमने उनको साइबर क्राइम और साइबर हेल्पलाइन उसके बारे में बताया है, और हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो साइबर थाने से, उन्होंने उनको काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह से अपने आप को कुछ स्टेप्स सावधानी के लेकर के अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। और जो टोल फ्री नंबर है वो हमने एक सुरक्षा चक्र यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है, जिसमें सभी टोल फ्री नंबर हैं उसको वो अपने साथ रखें पिक ले करके, और जब भी डिस्ट्रेस में हो आवश्यकतानुसार जिस भी हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता हो उसको डायल करें। अभी हर एक थाने पे महिला सुरक्षा दल का गठन किया गया है, और मिशन शक्ति के तहत ये सभी जो दल हैं महिला सुरक्षा के प्रत्येक थाने के, वो गांव में जा रहे हैं, मरीन बस्तियों में जा रहे हैं, ईंट भट्टे पे काम करने वाली महिलाओं के पास जा रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं उनके पास जा रहे हैं, और जो विद्यालय हैं वहाँ भी जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं। इन सभी जगह पे जहाँ पर भी हम महिलाओं को अप्रोच कर सकते हैं उन सभी जगह पे ये महिला सुरक्षा दल जा रहा है, और महिलाओं को उनके सुरक्षा से संबंधित कानूनों के विषय में और ये हेल्पलाइन नंबर्स के विषय में जानकारी दी जा रही है। मोटिव है महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वावलंबी बनाना, और वो सुरक्षित रहें, यही मोटिव है।